हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम सॉल्यूशन करेंगे सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 का। ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 खत्म हो जाए, ठीक है ना? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर टू ए एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन 2A क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? इंटीग्रेशन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू dx। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। इंटीग्रेशन x माइनस 2 डिवाइडेड x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू dx। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3, ठीक है ना? तो सॉरी सॉरी, 2x माइनस 6, तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। पर यहाँ पर क्या है? x माइनस 2, ऊपर में हम कर देंगे x माइनस 3। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x माइनस 3, x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू dx। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 एंड प्लस 1 बाई x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू dx। और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू dx, ठीक है ना? सॉरी, और नहीं, दिस इज इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 एंड इसके साथ क्या कर देंगे? ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 3 करना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव, और 2 के लिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? हाफ। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इंटू dx, ठीक है ना? प्लस इंटीग्रेशन इसे कर देंगे क्या, किसका स्क्वायर आ रहा है देखते हैं। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 एंड प्लस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड प्लस 1 इंटू dx। दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये क्या आ जाएगा हमारा? लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 एंड प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 एंड प्लस क्या है यहाँ पर? एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर 1 मतलब a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाता है? टेन इनवर्स x बाई a, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c। और यहाँ पर c इज क्या है? इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। दिस इज इक्वल्स टू लॉग मॉड हाफ इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 एंड प्लस 10 इनवर्स एक्स माइनस 3 एंड प्लस सी, होयर सी इज इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, या फिर सी इक्वल्स टू आई सी लिख लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिए, टू का बी, टू का बी फाइंड डी वाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग केस। वाई इक्वल्स टू यहाँ पर गिवन है एक्स एंड उसके बाद और एक इक्वेशन गिवन है, दोनों में हमें क्या निकालना है? डी वाई डी एक्स। तो बी आई, ठीक है ना? टू बी आई यहाँ पर हमें डी वाई डी एक्स निकालना है गिवन दैट वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब उसके पावर में 4। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू यहां पर क्या आ जाएगा? 4 इंटू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब उसके पावर में 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सॉरी
एक्स प्लस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब उसके पावर में क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स उसके पावर में 2, ये 2 है ना, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब इंटू 1 प्लस 3 इंटू ये है ना, 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स उसका स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ ये करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स, एंड साइन एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, और डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स का स्क्वायर तो नहीं है, एक्स है ना। हाँ एक्स ही है, इसका होल क्यूब इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू साइन 2x, इसके साथ है ये, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद देखिए नंबर 2, एक्स का पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू 16, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू वाई क्यूब इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और 4 एक्स क्यूब 4 वाई क्यूब इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू -4 एक्स क्यूब, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू -4 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4 वाई क्यूब कैंसिल आउट हो गया, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू -x³/y³, ठीक है ना। तो ये है हमारा आंसर। उसके बाद देखिए नंबर 3, एवलूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो ट्राई करेंगे ये इसका सॉल्यूशन करने के लिए। तो E3A इंटीग्रेशन 1 to 9 2t² प्लस t² √t -1 डिवाइडेड बाई t² × dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 9 2t² डिवाइडेड बाई t² प्लस t² √t डिवाइडेड बाई t² -1/t² × dt। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 9 2t² डिवाइडेड बाई t² × dt प्लस इंटीग्रेशन 1/9 t² √t डिवाइडेड बाई t² × dt एंड माइनस इंटीग्रेशन 1 to 9 1/t² × dt। तो t² कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/9 2 × dt प्लस इंटीग्रेशन 1/9 √t × dt एंड माइनस इंटीग्रेशन 1 to 9 1/t² × dt। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 9 2 × dt एंड प्लस इंटीग्रेशन
रूट टी, रूट टी का मतलब टी के पावर हाफ 1 to 9 dt, एंड माइनस माइनस टी इंटीग्रेशन 1 to 9 टी टू द पावर -2 इंटू डी टी, दिस इज इक्वल्स टू 2 into t 1 to 9, एंड प्लस ये क्या आ जाएगा टी के हाफ, टी के पावर में हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 3/2, है ना। तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 होल पावर 1/9, सॉरी 1 to 9, ये मतलब इसका जो लिमिट है तो वो 1 to 9 है, माइनस यहाँ पर टी के पावर -2, तो टी के पावर -2 दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टी के पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 होल पावर 1 to 9, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 into t 2 into 9 -2 into 1 प्लस टी के पावर 9 के पावर 3/2 -1 के पावर 3/2, और 3/2 क्या आ जाएगा 2/3, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो -9 के पावर -1 -1 तो प्लस कर देंगे, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 1 के पावर -1 मतलब 1, है ना। तो 9 के पावर -1 मतलब 1/9, दिस इज इक्वल्स टू 18 -2 एंड प्लस 2/3, 9 के पावर 3/2, तो 9 के पावर 3 होल पावर हाफ, मतलब 9 के पावर हाफ पहले कर देंगे तो 9 के पावर हाफ इक्वल्स टू 3, 3 के पावर 3 मतलब यहाँ पर 27 आ जाएगा, तो 27 -1 एंड प्लस 1/9 -1। सिक्सटीन प्लस 2/3 इंटू 26 माइनस 1/9 मतलब 8/9, 16 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8/9 दिस इज इक्वल्स टू 9, 16 9 144 प्लस 52 इंटू 2 तो 104, सॉरी सॉरी 3 करेंगे, है ना, 2 क्यों 3 बनाए, तो 6 156 माइनस 8 दिस इज इक्वल्स टू 156 माइनस 8 148 एंड प्लस 144 292 डिवाइडेड बाई 9 समथिंग ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो देख लेना, बाकी जो प्रोसेस है प्रोसेस एकदम सही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है, नंबर 2, सॉरी नंबर 2, साइन मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है E3 नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 to 3π/2 एंड साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए मॉड है इसका मतलब प्लस कहाँ पर होगा और माइनस कहाँ पर होगा ये हम किस तरीके से मतलब देखेंगे, प्लस एंड माइनस के थ्रू। अगर मतलब यहाँ पर ऑल साइन 10 कॉस का जो फॉर्मूला था, है ना, उस तरीके से हम देखेंगे। तो ऑल साइन 10 कॉस, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ऑल साइन 10 कॉस, तो 3π/2 यहाँ पर ये क्या है 0 π/2, ये पाई, ये 3π/2, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस वाले जगह पर माइनस साइन आ जाएगा, है ना, साइन की वैल्यू माइनस, दोनों में पॉजिटिव आ जाएगा। तो 0 to π लेंगे एक रेंज, तो लेंगे 0 to π साइन एक्स मॉड्यूलस लेंगे डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ये पाई टू 3π/2 लेंगे, है ना, पाई
पाई टू 3π/2 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया किस तरीके से यहाँ पर हमने लिखे। उसके बाद देखिए 0 to π जो है यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 to π साइन एक्स डी एक्स, है ना। मॉड्यूलस ऑफ साइन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एंड प्लस यहाँ पर माइनस है, इंटीग्रेशन π/3π/2 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। माइनस को बाहर ले आएंगे, 0 to π, सॉरी यहाँ पर पाई पाई कुछ नहीं है, 0 to π ही है, साइन एक्स डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन पाई टू 3π/2 साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, पर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 to π कर देंगे एंड माइनस माइनस कॉस यहाँ पर पाई टू 3π/2, ठीक है ना। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस पाई एंड प्लस कॉस 0 माइनस ऑफ माइनस कॉस 3π/2 एंड प्लस कॉस पाई, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कॉस 0 इक्वल्स टू 1, कॉस पाई इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस माइनस ऑफ कॉस 3π/2, कॉस 3π/2, एक मिनट, दिस इज इक्वल्स टू 0, पाई बाई टू के साइन में हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड प्लस माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, है ना। ये तो माइनस 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 3, इज इट ट्रू। तो यहाँ पर प्लस 1 ही आएगा, कॉस पाई प्लस आ रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस, सही है, ये 3 ही आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइंड डी वाई डी एक्स, वाई इक्वल्स टू, ये तो हमने किया है ना BMTC 131 में, E3B, डी वाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पर वाई इक्वल्स टू क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स के पावर एक्स, एक्स के पावर एक्स एंड प्लस एक्स ई के पावर एक्स। तो वाई इक्वल्स टू लेट करेंगे, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, है ना। तो वाई डैश क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, वाई डैश या फिर डी वाई डी एक्स कुछ भी लिख लीजिए, है ना, डी वाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, तो वाई यहाँ पर क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स पावर एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, वी गेट, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स के पावर एक्स, और लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 1 बाय एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स, है ना। तो लॉग एक्स एक्स की डेरिवेटिव कर रहे हैं, प्लस एक्स रह जाएगा, लॉग एक्स के डेरिवेटिव कर देंगे, तो और एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है ना। तो जी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो जी डैश एक्स निकालेंगे, जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स ई के पावर एक्स, तो इसको तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका वैल्यू निकल आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट जी डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ई के पावर एक्स कॉन्स्टेंट रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 1, डेरिवेटिव, तो एक्स इंटू ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू, और जी डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स,
तो ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो दे आर फोर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस। तो एफ डैश एक्स क्या निकल रहा है हमारा, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स एंड प्लस ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। ई टू एंड ई थ्री का, उसके बाद हम ई फोर एंड ई फाइव देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।